जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 साल की लड़की से रेप मामले में बढ़ा तनाव। नशे की दवा खिला 4 दिन तक रेप करने के बाद हुई थी हत्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि रूस और अमेरिका के मौजूदा रिश्ते अब तक के सबसे बुरे दौर में, साथ ही दी मिसाइल हमले की धमकी। कर्नाटक विधानसभा में अमित शाह द्वारा आचार संहिता उल्लंघन मामले में चल रही जांच, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार ने दी जानकारी। कावेरी विवाद के कारण बीसीसीआई ने चेन्नई में होने वाले आईपीएल मैचों को दूसरे शहर में शिफ्ट करने का लिया फैसला। अल्जीरिया में सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, विमान में सवार 257 लोगों की मौत। कॉमनवेल्थ गेम के 7वें दिन भारतीय हॉकी टीम ने इंग्लैंड को हराया, वहीं श्रेयसी सिंह ने सोने पे साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान के प्रभारी पद से कुमार विश्वास को हटाया, विश्वास खेमे ने पीएसी पर लगाया गंभीर आरोप। ताजमहल पर सुनी वक्फ बोर्ड का दावा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो दस्तावेज लाइए जिस पर शाहजहां के दस्तखत हो। उन्नाव रेप केस में पीड़िता के पिता का वीडियो आया सामने, वीडियो में हमलावरों के नाम का किया जिक्र। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन के नाम से एक फेक पोस्ट हुआ वायरल, पोस्ट में मुसलमानों की बुराई करते हुए हिंदुओं का किया समर्थन।